Hello guys, today I am going to discuss about pericyclic reaction. In the pericyclic reaction, I am going to talk about characteristics and classification of pericyclic reactions and its examples. मैं बताऊंगा इसमें कि pericyclic reaction क्या characteristic होता है, इसका क्या classification होता है और इसके कुछ example बताऊंगा, ठीक है? चलते हैं हम पेरिसाइक्लिक में. यहाँ पर सबसे मैंने बता रहा हूँ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इसको आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने एक, यदि आप डिफिनेशन के तौर पर भी ले सकते हो इसको, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज फोटोकेमिकली और थर्मली कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्मड. ये एक लाइन, एक दो लाइन में पूरा पेरिसाइक्लिक का डेफिनेशन आ जाएगा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि फोटोकेमिकली या तो थर्मली होता है और कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होता है, एक जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो साइक्लिक वे में होता है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है. यहाँ पर नो इंटरमीडिएट फॉर्मड, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है. तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि फोटोकेमिकली और थर्मली क्या होता है. कि फोटोकेमिकली क्या है, फोटोकेमिकली मीन्स वह रिएक्शन जो कि एक्टिवेटेड बाय फोटॉन रेडिएशन लाइट एंड दैट सिंबल इज डिनोटेड बाय एच न्यू. ये क्या है, एच न्यू यहाँ पर मैं बता रहा हूँ. और थर्मली क्या होता है, थर्मली दैट रिएक्शन एक्टिवेटेड बाय हीट एंड दैट सिंबल डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, एच न्यू डेल्टा. तो फोटोकेमिकली ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, फोटॉन के प्रेजेंस में होता है, रेडिएशन के प्रेजेंस में होता है, वो रिएक्शन फोटोकेमिकली कहलाता है. और ऐसा रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में होता है, वो रिएक्शन थर्मली कहलाता है. और हम बात करते हैं यदि कंसर्टेड की, यहाँ पर लिखा है मैंने कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग क्या है. तो कंसर्टेड का मतलब होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एट द सेम टाइम सिंक्रोनियस मैनर. ये जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एट द सेम टाइम विद इन अ फ्रैक्शन टाइम ये बॉन्ड का बनता है और टूटता है. बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एट द सेम टाइम. अब इसी टाइम में क्या होता है, ये साइक्लिक शिफ्ट इलेक्ट्रॉन, भाई जब इलेक्ट्रॉन का जब शिफ्टिंग हो गया तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा. और जो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो साइक्लिक वे में होता है. दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्वड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दैट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, है ना, कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वो उनका जो शिफ्टिंग होगा वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, टू कंपोनेंट रिएक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इनमें रिएक्शन हो रहा है. तो यहाँ का जो पाइलेट्रॉन है, इसमें भी जो पाइलेट्रॉन है, उनकी क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है. किस तरह से यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसके शिफ्टिंग में इस तरह का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और फाइनली वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो इसका मेन क्या है कि यह रिएक्शन क्या होगा, या तो हीट के प्रेजेंस में होगा या तो लाइट के प्रेजेंस में होगा. और कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा वो साइक्लिक फॉर्म में होगा. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता है, क्या बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. और फाइनली वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्मेट. दैट मीन्स कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, रेडिकल, कार्बेन, नाइट्रेन, दिस काइंड ऑफ स्पीसीज नॉट फॉर्मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन. यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला, ना तो कार्बोनायन बनेगा, ना तो रेडिकल बनेगा, ना तो कार्बिन बनेगा, ना तो नाइट्रोजन बनेगा. एनी अदर काइंड ऑफ स्पीसीज नॉट फॉर्मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन. क्या बनेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है. तो कंसर्टेड का मतलब यही है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, जो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने रेड कलर से दिखाया है, बॉन्ड बना है. यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है और पाइप बने से टूट रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम बॉन्ड बनेगा यहाँ पर और बॉन्ड टूट भी रहा है. यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है. तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर, ये बनना और टूटना एट द सेम टाइम,
इसी को बोलते हैं सिंक्रोनियस मैनर। यहाँ पर कोई ऐसा मतलब टाइम हमें नहीं मिलेगा कि यहाँ पर क्या होगा कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो पाए, यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्या बनता है यहाँ पर? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में क्या होती है, वन स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक। इस तरह से इसमें भी क्या होती है, यहाँ पर भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये है, ये कुछ है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या हो गया यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक। ये हो गया कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फोटोकेमिकल या थर्मल रिएक्शन होता है। और दूसरा क्या, देयर रिएक्शन क्या होती है, कंसिडर्ड साइक्लिक शिफ्ट ट्रांस। और तीसरा क्या, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये कुछ पॉइंट्स है, ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, किसके, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ इसके क्लासिफिकेशन में कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो क्लासिफिकेशन की जो बात करूं मैं, तो पहला है क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को फर्दर डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर रिएक्शन में, यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है। और साइक्लोडिएशन रिएक्शन को 2+2 साइक्लोडिएशन रिएक्शन, 4+2 साइक्लोडिएशन रिएक्शन, 6+4 एंड H+2 साइक्लोडिएशन रिएक्शन। मतलब हमें इस तरह के साइक्लोडिएशन रिएक्शन मिलते हैं, 2+2, 4+2, 6+4, 8+2 साइक्लोडिएशन रिएक्शन। सिग्मोट्रोफिक की बात किया जाए तो सिग्मोट्रोफिक में क्या क्या है, 1-3 सिग्मोट्रोफिक, 1-5 सिग्मोट्रोफिक, 1-7, 2-3 एंड 3-3 सिग्मोट्रोफिक हमें मिलेगा। और क्या है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम इन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनली क्या है क्लासिफिकेशन है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इसको 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोडिएशन रिएक्शन, सिग्मोट्रोफिक रिएक्शन एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इनके क्या है, ये सब क्लास है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लोडिएशन क्या, इनके सब क्लास ये जो यहाँ पर दिया गया है। मेन क्या है, 4 हो गए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लोडिएशन, सिग्मोट्रोफिक एंड ग्रुप ट्रांसफर। ये 4 क्या है, 4 क्लासेस ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इनके सब क्लासेस इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, 2+2, 4+2, 6+4, 8+2 साइक्लोडिएशन रिएक्शन, यहाँ पर 1-3, 1-5, 1-7, 1-2-3 एंड 3-3 सिग्मोट्रोफिक रिएक्शन। हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो जैसे मैंने अभी बता रहा था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में कि रिंग क्लोजर भी हो सकता है और क्या, रिंग ओपनिंग भी होता है। तो यहाँ पर देखें, एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर इज एन इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन दैट फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट कंटेनिंग वन मोर सिग्मा एंड डिसअपियर वन पाई बॉन्ड देन द रिएक्टेंट। इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, रिंग क्लोजर, मतलब कि रिंग यहाँ पर बनने वाला है, रिएक्टेंट ओपन होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप क्या लिखा है, दैट फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा कंटेनिंग वन मोर सिग्मा बॉन्ड, कंटेनिंग वन मोर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, कंटेनिंग वन मोर सिग्मा बॉन्ड और डिसअपियर वन पाई बॉन्ड, और डिसअपियर वन पाई बॉन्ड देन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड थे, तो प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड कौन कौन से, 1-2, और रिएक्टेंट में कितने पाई बॉन्ड थे, 1-2-3 पाई बॉन्ड, जबकि प्रोडक्ट में 2 पाई बॉन्ड है। तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक की नोट पॉइंट है कि इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजर रिएक्शन में इस तरह से होता है कि एक पाई बॉन्ड वहां से डिसअपियर हो जाता है, किसमें, प्रोडक्ट में, और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर मैंने लिखा है, इस पॉइंट को नोट करना पड़ेगा कि दिस इज अ इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन दैट फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट कंटेनिंग वन मोर सिग्मा बॉन्ड एंड डिसअपियर वन पाई बॉन्ड देन द रिएक्टेंट। यहां पर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और एक पाई बॉन्ड डिसअपियर हो गया है, किससे, रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट में 3 थे तो प्रोडक्ट में 2 है। एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग में क्या होता है, इन विच ए सिग्मा बॉन्ड ऑफ अ साइक्लिक रिएक्टेंट इज क्लेवर टू फॉर्म अ कंजुगेटेड प्रोडक्ट विथ वन मोर पाई बॉन्ड। ये क्या है, हमारे साइक्लिक रिएक्टेंट है, यहाँ पर लिखा है
सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लिक रिएक्टेंट इज क्लीवर्ड, यहां से जो क्या है सिग्मा बॉन्ड है ये यहां पर क्या होगा क्लीवेज होगा टूटेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा कंजुगेटेड प्रोडक्ट विद वन मोर पाई बॉन्ड, कंजुगेटेड प्रोडक्ट विद वन मोर पाई बॉन्ड, यहां पर एक पाई बॉन्ड है यहां पर टू पाई बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर ब्रेकिंग हुआ है और उसके बदले में क्या है एक एक्स्ट्रा यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये जो लिखा है एकदम परफेक्ट लिखा है, इन विच सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लिक रिएक्टेंट इज क्लीवर्ड टू फॉर्म अ कंजुगेटेड प्रोडक्ट विद वन मोर पाई बॉन्ड। बात करते हैं साइक्लोडेशन रिएक्शन की, ये साइक्लोडेशन रिएक्शन क्या है, तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर कट है, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। साइक्लोडेशन रिएक्शन, साइक्लोडेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, ध्यान देना जो साइक्लोडेशन रिएक्शन है वो क्या रिएक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट के बीच में रिएक्शन होता है, यह रिएक्शन इंट्रा मॉलिकुलर भी हो सकता है और इंट्रा मॉलिकुलर भी हो सकता है, इंट्रा मॉलिकुलर हो सकता है और इंटर मॉलिकुलर हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए टू कंपोनेंट चाहिए। साइक्लोडेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट विथ अ पाई बॉन्ड टू फॉर्म विथ अ पाई बॉन्ड, मतलब टू कंपोनेंट हो और पाई बॉन्ड भी होना चाहिए उसके साथ उस कंपोनेंट में, टू फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट विथ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड एंड डिसअपीयर टू पाई बॉन्ड। ध्यान देना यहां पर क्या बोला है कि क्या होना चाहिए इसके लिए टू कंपोनेंट होना चाहिए और उस कंपोनेंट में पाई बॉन्ड होना चाहिए, ये मिलकर क्या बनता है साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, क्या बनेगा साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट। और हमें पता है कि क्या साइक्लोडेशन रिएक्शन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होना चाहिए फोटोकेमिकली तो थर्मली होगा, फोटोकेमिकली हो गया तो थर्मली होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक हमें नोन है कि क्या होगा फोटोकेमिकली हो गया तो थर्मली होगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए साइक्लिक प्रोडक्ट विथ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड, क्या बन रहा है यहां पर देखो ये टू कंपोनेंट है, क्या है टू कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट इज दिस अनदर कंपोनेंट इज दिस, किसको बोल सकते हैं तो ये भी एक कंपोनेंट ये भी एक कंपोनेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनता है साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड। इस साइक्लिक कंपाउंड में टू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और टू पाई बॉन्ड डिसअपीयर हो गया है, यहां पर कितने पाई बॉन्ड थे टू पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड यहां से क्या हो गया खत्म हो गया, ये क्या हो जाती है हट जाता है। हमेशा के लिए याद रखना कि साइक्लोडेशन रिएक्शन में टू पाई बॉन्ड का लॉस होता है, किसमें प्रोडक्ट जब बनता है तो वहां पर टू पाई बॉन्ड का लॉस होता है और टू न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो ही पॉइंट इसमें जरूरी याद रखने के लिए। अब इसको भी क्लासिफाई किया गया है, दिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज एम प्लस एन साइक्लोडेशन रिएक्शन, एम प्लस एन क्या है मैं बता रहा हूं, एम प्लस एन क्या है कंपोनेंट है, एम किसी एक को मान सकते हैं एन किसी एक को मान सकते हैं, एम प्लस एन ये दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा इस तरह से मिलता है हम एम प्लस एन। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम 2+2, 4+2, 6+4, 8+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन फॉलोज बिलो, मैं बता रहा हूं कि 2+2 क्या है यहां पर, पहला है ये क्या है 2+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन, 2+2 का मतलब ये है एम और एन की बात करें तो नंबर पाई बॉन्ड, एक कंपोनेंट में कितने पाई बॉन्ड है अनदर कंपोनेंट में कितने पाई बॉन्ड, अब वो पाई बॉन्ड जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहां पर देखो ये टू कंपोनेंट है, यहां पर देखो ये वाले पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन और इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से 2 और ये 2 तो दोनों को यदि मिला दिया जाए तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं इसको 2+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन, इस तरह से लिखते हैं। ये 2 का मतलब क्या है 2+2 का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक कंपोनेंट होगा उसमें पाई बॉन्ड कितना है एक पाई बॉन्ड होगा, इसका मतलब क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर दोनों क्या है सेम है, एक कंपोनेंट में भी 2 एक पाई बॉन्ड है और इस कंपोनेंट में भी एक पाई बॉन्ड है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए बोलते हैं हम 2+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन। और यहां पर मैंने लिखा हूं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका मतलब है कि दोनों के मिलाने पर 2+2=4, तो क्या है 4 के सिस्टम में है, और मैं बताऊंगा आगे अगले वाली क्लास में कि यह रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउ करता है, यह रिएक्शन क्या होता है फोटोकेमिकली अलाउ करता है, जितने भी रिएक्शन होते हैं 4q वाले यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम वो क्या होते हैं फोटोकेमिकली अलाउ करते हैं साइक्लोडेशन रिएक्शन में, तो क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, ये दोनों के मिला दे तो क्या आता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा 2+2=4, ठीक है। अब दूसरा बात करता हूं यहां पर 4+2 साइक्लोडेशन रिएक्शन, यहां पर देखो एक कंपोनेंट इसको लेते हैं, इस कंपोनेंट में देखो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है स्ट्रक्चर है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस कंपोनेंट में कितने पाई बॉन्ड है इस कंपोनेंट में
एक पाई बॉन्ड है इसका मतलब टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में फॉलो करता है फोर क्यू प्लस टू, यानी कि फोर एन प्लस टू सिस्टम में आप बोल सकते हैं अपने तरीके से फोर एन प्लस टू सिस्टम है, ये क्या है फोर एन प्लस टू सिस्टम है। मैं अभी ये सिलेक्शन रूल बताऊंगा आगे क्लास में, साइक्लोडिशन का सिलेक्शन रूल, सिग्मोट्रॉपिक का सिलेक्शन रूल, सभी का सिलेक्शन रूल बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो जो ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं कि फोर एन प्लस टू वाले सिस्टम में होते हैं, ये क्या होते हैं थर्मली अलाउ करता है, थर्मली रिएक्शन अलाउ करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है थर्मली, ठीक है, यानी कि हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो इसमें भी देखो ये भी यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया हमें, यहाँ पर टोटल कितने नंबर पाई बॉन्ड थे, थ्री पाई बॉन्ड थे टोटल, वन टू थ्री, और यहाँ पर कितने हैं टू, लेस हो गया, जो मैंने डिफिनेशन बताया था, ठीक है, वही डिफिनेशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखो फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर देखो दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और दो पाई बॉन्ड डिसअपीयर हुआ है, डिसअपीयर ऑफ टू पाई बॉन्ड, मतलब कि इसमें टोटल थ्री पाई बॉन्ड थे तो इसमें से दो पाई बॉन्ड गायब हो गया है और एक पाई बॉन्ड वहां का वहीं पर है, यानी कि टू पाई बॉन्ड का डिसअपीयर हो रहा है। इस तरह से एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर सिक्स प्लस फोर साइक्लोडिशन रिएक्शन। इसमें देखो एक कंपोनेंट यह है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है थ्री पाई बॉन्ड यानी कि सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, और एक कंपोनेंट यह है जिसमें कि टू पाई बॉन्ड है यानी कि फोर पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसको बोलेंगे सिक्स प्लस फोर साइक्लोडिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको सिक्स प्लस फोर साइक्लोडिशन रिएक्शन, और ये सिक्स प्लस फोर इक्वल टू टेन पाई इलेक्ट्रॉन, तो टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या करता है ये भी थर्मली अलाउ करता है, ये भी फोर एन प्लस टू सिस्टम है, यानी कि फोर क्यू प्लस टू बोल सकते हो या तो फोर एन प्लस टू सिस्टम बोल सकते हैं इसको, ये इस सिस्टम में आता है, यदि फोर एन प्लस टू सिस्टम में है, ठीक है, वो हमेशा थर्मली अलाउ होता है, और फोर एन सिस्टम वाले या तो फोर क्यू सिस्टम वाले रिएक्शन क्या होते हैं फोटोकेमिकली अलाउ होकर कहलाते हैं। तो इस तरह से इसमें भी देखो यहाँ पर टू पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और टू पाई बॉन्ड को लूज हुआ है, लॉस हुआ है, डिसअपियर हुआ है टू पाई बॉन्ड, कैसे, इसमें देखो यहाँ पर थ्री और टू कितने हो गए थ्री प्लस टू फाइव, ठीक है, अब फाइव में से कितने बचे यहाँ पर थ्री पाई बॉन्ड है, थ्री पाई बॉन्ड है, ये क्या है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, साइक्लोडिशन रिएक्शन का, ये बहुत ही की पॉइंट है, टू पाई बॉन्ड डिसअपियर होना और टू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, किसमें साइक्लोडिशन रिएक्शन में, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक, इस तरह से पहचान करना पड़ता है। अब एक और रिएक्शन हो रहा है एड प्लस टू साइक्लोडिशन रिएक्शन, एड प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसमें देखते हैं हम यहाँ पर ये पहला जो कंपोनेंट है कितने से पाई इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर, ध्यान रहे जो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंजुगेशन में यदि नहीं है तो रिएक्शन हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जो पाई कंपोनेंट वाले सिस्टम है ना पाई इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है, रिएक्टेंट में जो कंपोनेंट हो गए वो जो पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए कंजुगेशन में होना चाहिए, ये नहीं कि कंजुगेशन में नहीं है वहां पर रिएक्शन हो जाएगा, कंजुगेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो एक कंपोनेंट ये है, इस कंपोनेंट में कितने पाई बॉन्ड है, वन टू थ्री फोर, फोर पाई बॉन्ड है, फोर पाई बॉन्ड का मतलब एट पाई इलेक्ट्रॉन, और इस कंपोनेंट में देखो इस कंपोनेंट में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से कितने पाई बॉन्ड है टू पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर क्या है एक पाई बॉन्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है किसमें इस रिएक्शन में, तो एक पाई बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये एड कंपोनेंट वाला रिएक्टेंट है और ये टू कंपोनेंट वाला रिएक्टेंट है, तो क्या बोलेंगे एड प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एड प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एड कंपोनेंट यहां से आया है इसको हम बोलेंगे एड कंपोनेंट और इसको बोलेंगे टू कंपोनेंट, क्योंकि यहां से टू पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया यानी कि वन पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट किया है इस रिएक्शन में, और यहाँ से क्या है यहाँ पर फोर पाई बॉन्ड यानी कि एट पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है इस रिएक्शन में, इसलिए बोलते हैं एट प्लस टू साइक्लोडिशन रिएक्शन, और ये भी क्या है एट प्लस टू इक्वल टू टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है फोर एन प्लस टू सिस्टम में आती है, तो ये भी रिएक्शन क्या है थर्मली अलग हुआ है। मैं आगे बताऊंगा सिलेक्शन रूल थर्मली और फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन से अलाउ करते हैं कौन अलाउ नहीं होता है हम बात करेंगे आगे। तो इसमें भी क्या है इसमें भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है जो रेड कलर में क्या है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर देखो एट प्लस टू कितने यानी कि वन टू थ्री फोर फोर फाइव, यदि बात करें तो फोर पाई बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो कितने पाई बॉन्ड डिसअपियर हो गए यहाँ पर फोर एक कितने हो गए फोर यहाँ से और एक यहाँ से, तो बोलेंगे कितने फाइव, क्या बोलेंगे हम इसको फाइव फाइव, फोर प्लस एक फोर प्लस वन फाइव,
तो यदि 5 की बात करें, यदि इसको भी काउंट करेंगे तो इसको भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर काउंट करने में, यानी कि टोटल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड डिसअपीयर हुआ है, कैसे, 1 2 3 4 5 जो कि पार्टिसिपेट किया था, 5 5 में से क्या करेंगे हम 1 2 3 3। ये डबल बॉन्ड कहां से आया है, यहां से आया एल्कीन बॉन्ड से, एल्कीन बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड एल्कीन बॉन्ड से आया है। तो इसको भी यदि काउंट करेंगे यहां पर, ठीक है, कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड यहां है 2 और यहां पर 4 है, 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4 प्लस 2 6 और 6 में से कितने बचे यहां पर 4, यानी कि 2 पाई बॉन्ड क्या हो गया है, डिसअपीयर हो गया है, 2 पाई बॉन्ड डिसअपीयर हो गया है, ये भी क्या है डिसअपीयर हो गया है। तो इस तरह से 8 प्लस 2 सबट्रैक्शन ये है, 6 प्लस 4 4 प्लस 2 2 प्लस 2 साइक्लोडेशन सबट्रैक्शन, यहां पर 4 टाइप्स के क्या हो गए, साइक्लोडेशन सबट्रैक्शन हो गए। तो ये जो डिफिनेशन है इसको बहुत ध्यान से समझना है, ज्यादा नहीं, दो लाइन की है, दो लाइन में पूरा काम तमाम है इसका। अब हम बात करते हैं आगे, सिग्मा ट्रॉफिक, सिग्मा ट्रॉफिक की बात करते हैं। सिग्मा ट्रॉफिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉफिक रिएक्शन इन विच अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मली माइग्रेट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ध्यान देना क्या है कि सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, माइग्रेट करता है कहां से, एक एंड से, रिएक्टेंट रहेगा उसमें से किसी एक एंड से सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करेगा, कहां पर माइग्रेट करेगा, माइग्रेट फ्रॉम वन इनटू एक एंड से टू अदर एंड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसी दूसरे एंड में जाके वो ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है यहां पर किसी एक एंड से दूसरे एंड में। And the net number of pi bond remain the same. जो यहां पर क्या होगा, product और reactant में जो pi bond है वो क्या होगा, same होगा, यहां पर कोई changes नहीं कहलाएगा, जो pi number of pi bond होंगे वो क्या होंगे, remain the same, कोई changes नहीं रहेगा pi bond में। यदि एक pi bond reactant में रहेगा तो एक pi bond product में भी रहेगा। यहां पर ये बहुत ही observation वाली चीज है कि sigma tropic reaction में क्या होती है कि जो pi bond रिमेन द सेम, यदि रिएक्टेंट में एक पाई बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में भी एक होगा, यदि रिएक्टेंट में टू पाई बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में भी टू पाई बॉन्ड होगा। तो सिंपल एक लाइन में है, सिग्मा ट्रॉफिक रिएक्शन इन विच अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मली माइग्रेट फ्रॉम वन इन टू अदर एंड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड नेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रिमेन द सेम। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, इसके भी कई क्लासेस है, क्या क्या क्लासेस है, 1 3 1 5 1 7 2 3 3 3 में यहाँ पर बताऊंगा भी क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है। पहले हम देखते हैं 1 3 को, ठीक है, एग्जाम जो डिफिनेशन में फिट करते हैं, क्या बोला है, फॉर्मली माइग्रेट, यहां पर देखो ये 1 है, ठीक है, क्या है 1 है, ठीक है, और ये क्या है, H है, ठीक, H है, तो 1 और H के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये 1 नंबर कार्बन एटम और ये क्या है, H है, ये बीच वाला जो सिग्मा बॉन्ड है यहां से माइग्रेट करेगा। यहां पर लिखा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मली माइग्रेट फ्रॉम वन एंड, इस जो एक एंड है एलाइलिक वाला, जो एंड है एलाइलिक वाला कार्बन से जो एंड है, इस यहां से क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, अदर एंड में, अदर एंड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दूसरे एंड में, कौन से एंड में हो रहा है, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम में, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम से थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम में सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है। तो जो यहां से सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा वो H को भी साथ में ले जा रहा है और H निकल के कहां चला जा रहा है, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम में। तो यदि जब थर्ड नंबर में कार्बन एटम में जाएगा तो यहां का पाई बॉन्ड कहां पर चला जाएगा, 1 2 कार्बन एटम में, 1 2 पे डबल बॉन्ड बन जाता है। यहां पर देखो मैंने बनाया यहां पर कि H यहां से निकल के कहां चला गया है, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम में, ठीक है, यहां पर देखो यहां पर पहुंच गया है और इसके बाद क्या हुआ है, ये जो पोजीशन है 1 2 इस पोजीशन में पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया है, पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया है इस पोजीशन में, यहां पर, सॉरी जस्ट 1 मिनट, सॉरी बॉडी डिफरेंस। तो इसमें बोला है कि नेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रिमेन द सेम, तो इस रिएक्टेंट में भी एक पाई बॉन्ड है और प्रोडक्ट में भी एक पाई बॉन्ड है, लेकिन जो यहां पर सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर था वो तो अपना काम कर गया कि यहां से निकल के थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम में जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है, माइग्रेट कर गया। तो इसको हम बोलते हैं 1 3 सिग्मा ट्रॉफिक रिएक्शन, 1 3 सिग्मा ट्रॉफिक रिएक्शन।
अब दूसरी बात करें 15 की, 15 में देखो मैंने नंबरिंग किया यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, जहां से सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, जहां से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ये मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5, मैंने नंबरिंग यहाँ से कर दिया है, क्योंकि यहाँ से जो 1 नंबर कार्बन एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ से माइग्रेट करेगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए मैंने यहाँ से नंबरिंग किया है। रूल सही होता है कि जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा सिग्मा बॉन्ड वहीं से हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से देखो 1 नंबर कार्बन एटम से जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से एच को भी साथ में लेकर जाएगा, ऐसा नहीं कि सिंगल जाएगा, एच को पूरे यहाँ से उठा के कहाँ चले गया, पांचवें नंबर ऑफ कार्बन एटम में, फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन एटम में माइग्रेट कर गया। क्या माइग्रेट कर गया, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड था ना ये माइग्रेट करके पांचवें नंबर पे, और यहाँ का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया 3-4 कार्बन में, और 3-2 का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया 2-1 कार्बन में। तो ये इस तरह का हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया कि 1-2 में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, 3-4 में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और 5 में हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो गया। यानी कि इसको हम बोलेंगे 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, कि 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम से सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करके पांचवें नंबर में चला गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का नंबरिंग नहीं है, ठीक है, कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का नंबरिंग है, ये क्या है, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर, नॉर्मल नंबरिंग यहाँ पर, जहां से सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करता है, जहां से सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है वहां से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। इस तरह से 1-7 है, 1-7 को मैं बता रहा हूं यहाँ पर, इसको हम नंबरिंग करेंगे कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर, ठीक है। तो मैंने यहां से किया नंबरिंग, क्योंकि यहां से क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, जो सिग्मा बॉन्ड है 1 नंबर कार्बन एटम और ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, यहां से क्या हो गया, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के साथ साथ जो एच भी यहां से निकल जाएगा, निकल के कहां चला जाएगा, 7वें नंबर ऑफ कार्बन एटम में। तो यहां पर देखो, यहां पे 7वें नंबर ऑफ कार्बन एटम में एच जो है ट्रांसफर हो गया यहाँ से निकल के, तो 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, 3-4 में डबल बॉन्ड, और 5-6 में डबल बॉन्ड, और 7 में डबल बॉन्ड वहां से हट जाएगा, और उसकी जगह में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट। तो इसको हम बोलते हैं 1-7 सिग्मोट्रॉफिक रिएक्शन। अगली है 2-3 सिग्मोट्रॉफिक रिएक्शन। 2-3 क्या है, 2-3 मैंने बोला हूं एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है, कि नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से हम सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वहां से नंबरिंग करते हैं। तो इस कंपाउंड में यदि बात करूं मैं यहां पर, तो जो ऑक्सीजन और एक कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम के पास मैं नंबरिंग किया हूं, ठीक है, 1 नंबर है ये, और ये भी 1 नंबर। तो कार्बन और ऑक्सीजन एटम में जो सिग्मा बॉन्ड है यहां से ब्रेक होगा, इसलिए मैंने क्या किया इसको नंबरिंग दिया हूं 1 नंबर, इसको 1-2-3, और इधर मैंने नंबरिंग किया हूं 1-2-1-2। ये क्या है, पीएच फिनाइल ग्रुप है, क्या है, बेंजीन ग्रुप है, फिनाइल जैसे बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप है। तो 1-2 ये हो गया, और 1-2-3 ये कहलाएगा, 1-2-3 ये हो गया, और 1-2 ये हो गया, यानी कि जो बीचों बीच जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेकिंग होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा। तो देखो मैंने बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है, और सल्फर का, सल्फर जो है बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, किसके साथ, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और 3-2 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो कहां शिफ्ट कर गया, 2-1 के बीच में, 2-1 के बीच में शिफ्ट कर गया, किसके बीच में, यहां पर सॉरी आई थिंक आई गेट सम मिस्टेक, सॉरी आई गेट सम मिस्टेक, हियर इज स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियर, ये जो कंपाउंड्स है प्रोडक्ट, ये गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, इसको मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ पर गलत है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गलत है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि 2-1 में डबल बॉन्ड बनना चाहिए, और ये जो सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट किया है तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, और ये सल्फर का अटैचमेंट कहाँ होना चाहिए, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम में होना चाहिए था। तो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम में है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से, ऑक्सीजन क्या हुआ है,
ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ये गलत है। तो इसको मैंने अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है क्या है। हम आगे चलते हैं इसमें थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉफिक रिएक्शन में, कि थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉफिक रिएक्शन क्या होता है, थ्री थ्री में क्या होता है, इसको मैं अलग से बताऊंगा टू थ्री को, ठीक है, कि टू थ्री सिग्मा ट्रॉफिक क्या होता है इसको मैं अलग से एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग, इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, सॉरी। वो पेज चला गया। मैं टू थ्री और थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉफिक को बाद में बताऊंगा, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो आ नहीं रहा मेरे पास अभी, ठीक है, बाद में इसको बताऊंगा, समझाऊंगा क्या है। तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन क्या होता है, अगला जो रिएक्शन है वो क्या है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, अ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप, इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, इन दिस रिएक्शन बोथ मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है, इसको हम इन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। हमारे पास दो मॉलिक्यूल होगा, एक इन वाला कंपोनेंट रहेगा और एक क्या होगा, इनोफाइल, दो मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आगे चलकर क्या होता है, वो ज्वाइंट हो जाता है। इन दिस रिएक्टेंट बोथ मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सिग्मा बॉन्ड, प्रोडक्ट में क्या होता है, ये दोनों इन और इनोफाइल क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। कैसे, हम देखते हैं एग्जाम्पल से यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहाँ पर इन कंपोनेंट क्या होते हैं। इन कंपोनेंट में क्या होता है, इन इज पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल दैट कंटेन एटलीस्ट वन एक्टिव हाइड्रोजन एटम एट द अलाइलिक प्रोपरगैलिक और अल्फा पोजिशन। कि ये कैसे होते हैं, अलाइलिक ग्रुप वाले, अलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है, अलाइलिक कंपोनेंट है, ठीक है, इस तरह के कंपोनेंट होते हैं। अलाइलिक कार्बन है यहाँ पर, इस अलाइलिक कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट हो जाए, प्रॉपर गैलिक वाला कंपोनेंट होना चाहिए, अल्फा पोजीशन वाला होना चाहिए, इस तरह के कंपाउंड। तो मेनली जो यूज होता है वो क्या होता है, अलाइलिक ग्रुप वाला, क्या होता है, अलाइलिक ग्रुप वाला होता है। और इनोफाइल क्या होते हैं, इनोफाइल्स आर पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल CO होना चाहिए, CN होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, CS होना चाहिए, O डबल बॉन्ड O होना चाहिए, N डबल बॉन्ड N होना चाहिए। यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि C डबल बॉन्ड C भी होना चाहिए, अल्कीन बॉन्ड्स होना चाहिए, ये क्या है, इनोफाइल्स है, ऐसे कंपोनेंट। C डबल बॉन्ड पर क्यों इनोफाइल बोल सकते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट होना चाहिए, इनोफाइल एंड इन कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया यहाँ पर क्या है, अलाइलिक ग्रुप है, यहाँ पर अलाइलिक कार्बन है, इस कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, एक अलग से कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इन कंपोनेंट। ये क्या है, अलाइलिक ग्रुप को क्या बोलेंगे, इन कंपोनेंट बोलेंगे, और जो एल्कीन ग्रुप है ये क्या है, एल्कीन, सिंपल ओनली एल्कीन है ये, ठीक, एल्कीन बॉन्ड्स है टू कार्बन वाला, इसको हम बोलेंगे इनोफाइल, ठीक है। तो क्या होगा, था यहाँ से जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ ज्वाइंट होता है, इस वाले कार्बन में, ठीक है, और इस ये जो है ज्वाइंट होता है इस वाले कार्बन में, ये ज्वाइंट हो जाता है किसमें, इस वाले कार्बन में। तो जो ये जो बॉन्ड रहेगा अलाइलिक हाइड्रोजन, ये पूरा माइग्रेट कर जाता है किस पर, इनोफाइल में। यहाँ पर लिखा है विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम ट्रांसफर, या तो एटम ट्रांसफर करेगा या तो कोई ग्रुप ऑफ एटम होगा। यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, वो भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम यूज करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है कहाँ पर, इस वाले पोजिशन में ट्रांसफर कर जाएगा, और इधर से क्या होता है, ये दोनों पोजिशन, जो दोनों अल्किन वाला कार्बन है ना, ये दोनों क्या करते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं विद द बाय सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ज्वाइंट हो जाते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट हो गया है, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों क्या हो गए हैं, ज्वाइंट हो गए हैं, और यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो माइग्रेट कर गया कहाँ पर, इस वाले कार्बन में। यहाँ पर क्या हुआ है, ये
ये देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट कर गया यहाँ पर और ये दोनों पोजीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, सिंगल बॉन्ड। ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो गए, ज्वाइंट हो गया। यहाँ पर लिखा है इन दिस रिएक्शन बोथ मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड। ये जो मॉलिक्यूल है ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं किसके थ्रू, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ये देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, दोनों मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बात क्या आती है, ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर हो गया है कहाँ पर, इस वाले पोजिशन पे, किसमें, यूनोफाइल में। यूनोफाइल में एलाइलिक जो हाइड्रोजन है, एलाइलिक कार्बन में जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया है कहां पर, माइग्रेट कर गया है कहां पर, इनोफाइल वाले कंपोनेंट में। ये इनोफाइल इस वाले कार्बन में यहां पर आ गया, यहां पर देखो यहां पर दिख रहा है। और यहां से एलाइलिक जो कार्बन था, ठीक है, एलाइलिक कंपोनेंट में जो एल्कीन कार्बन था यहां पर, ये दोनों क्या हो गया है, ज्वाइंट हो गया है, ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट ज्वाइंट हो गया। यहां पर मैंने लिख दिया है टू न्यू सिंगल बॉन्ड फॉर्मेड और ये क्या है, एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये एग्जांपल है किसके, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन के। इसको हम बोलते हैं इन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इन रिएक्शन ज्यादा फेमस है। इन रिएक्शन क्या होता है, इसी को बोलते हैं ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो इस तरह से मैंने बताया है, क्या क्या बता दिया, थैंक यू, मैंने बताया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। और इसके बाद बताया मैंने इसके एग्जांपल्स की, कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं। मैंने डेफिनेशन बताया है चारों जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है कौन कौन से हो गए, चार पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ये चार रिएक्शन है, चारों के मैंने एग्जांपल बताया। एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गया, सॉरी फॉर दैट, कि मैंने 2-3 सिग्माट्रोपिक और 3-3 सिग्माट्रोपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर गलत ड्रा किया हुआ था। इसलिए मैं उसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 2-3 और 3-3 सिग्माट्रोपिक के बारे में और उसको समझाऊंगा डिटेल से, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कन्वेंस, थैंक यू।